हमारे पूज्य भंत जी एवं गौर उपासक जो विभिन्न विभिन्न राज्यों से आए हैं, सबों को नमोद्धार, जय भीम, जय भारत। साथ ही मैं झारखंड के उस जगह से बिलोंग करता हूं जहां की पूरे भारत से मनुवाद का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, देवघर। उस देवघर की धरती से मैं आया हूं और 13 साल के उम्र से बुद्ध के विचारधारा को मैं समझा। वेस्ट बंगाल कलकत्ते में मैं रहता था। आप लोग पुराने साथी जो हमारे सीनियर थे तो मैं जा करके बैठ के सुनता था कि बाबा साहब हम लोगों को बौद्ध धर्म दिया था, तो बौद्ध धर्म जो हम लोगों को दिया था वो किस लिए दिया था? बहुत सारे धर्म था लेकिन बुद्ध धर्म को ही क्यों दिया था? तो बुद्ध धर्म को हमने इतना समझा कि बुद्ध धर्म को देकर बाबा साहब हम लोगों को विश्व से जोड़ दिया, विश्व से जोड़ दिया, जिसका एक आज फॉर्मूला है कि हम लोग सारे देश के लोग, विदेश के लोगों से भी हम लोग का संपर्क हुआ। अब रह गया कि ये महाबोधि बिहार टेम्पल जो एक्ट है उसको हम लोग संशोधन कैसे करें। एक बोध गया ही नहीं, एक बोध गया टेम्पल का मामला नहीं, जो हमारे अशोक सम्राट 84,000 स्तूप और टेम्पल को बनाया था वो टेम्पल आज है कहां? वो टेम्पल गया कहां? बिहार, वो बुद्ध विहार गया कहां? तो जहां भी पर्दा उठाइएगा, तो झारखंड में हमने 5 जगह पर्दा उठाया, 5 जगह बुद्ध ही बुद्ध मिला। जो वहां बोलबम करके जाते हैं वो भी बौद्ध टेम्पल है, और उस बौद्ध टेम्पल को यहां पटना में मैकू राम जी आईजी हुआ करते थे, शिवशंकर सिंह एसपी थे, और पुरातत्व के विभाग के लोग 91-92 में हम लोग वहां आया था, हम लोग भी साथ थे और वहां जांच पड़ताल हुआ। तो कितने टेम्पल को आजाद करिएगा? मामला है व्यवस्था। हम लोग बौद्ध इसलिए बाबा साहब बनाया था कि पूरे भारत में अगर हम लोग एक विचारधारा का हो जाते हैं तो हमारा विचारधारा जब हमारे पास होगा तो विचारधारा का हमारा शासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सारे जगह हमारा होगा और हम सब जगह मांगने की जरूरत नहीं होगा, हमारा खुद होगा, अपना सब कुछ होगा और लड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि हम लोग जो अभी जो एक साथी हमारे बोल रहे थे कि नाम के पीछे, आज भी हम लोग पुराने जो नाम है उसको चिपकाए हुए हैं, स्वार्थ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। बौद्ध तो कहते हैं अपने को, लेकिन जब तक रजिस्टर्ड बौद्ध नहीं होंगे, जब तक आपका भारत सरकार से, जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, 111,000 हमारा बौद्धों का संख्या आया। जब नागार्जुन सुरेश सदय जी, अनागरी धम्पा जी आंदोलन चलाया था उस समय बौद्ध गया, चाहे आप दुनिया से कहीं से भी आ जाइए, आइएगा बिहार में आंदोलन करने के लिए, वहां पे हमने अपने आंखों से देखा। आकाश लामा जी, हम लोग का रैली जब चल रहा था, बिहार के लोग नग्न थे, आदमी बिहार के जितना संख्या में होना चाहिए, जितना हम लोग आज पद और पोजिशन लेकर के आए हैं, अगर 10-10 आदमी भी हम लोग उस समय आते तो बाहर से जितने साथी आया था उससे ज्यादा हमारा बिहार और झारखंड का होता,
लेकिन कुछ भी नहीं था, ये सच्चाई में कह रहा हूं। और कुछ लोग साफ सुथरे में बोलना चाहता हूं और डरता नहीं हूं, क्योंकि बुद्ध धर्म में बाबा साहब ने और तथागत बुद्ध को जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मैं दूसरा पास तीसरा फेल आदमी हूं। जो हमने पढ़ा बुद्ध को, जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि दुनिया में दो ही चीज सत्य है, जन्म लेना और मरना। अगर आप मरने से डर गए तो आपको कभी भी हक और अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे पहले बौद्ध अगर अपने को कहते हैं, ऐसा नहीं जय भीम बोलो और किधर भी चलो, एक जगह आना होगा। ये जो हजारों हजार संगठन, बाबा साहब ने कहा कि संगठित हो जाओ, और हम लोग क्या कर रहे हैं भारत में, संगठन बना बना करके गली कूचे में घूर रहे हैं, एक होने का काम नहीं हम लोग कर रहे हैं। जब तक एक नहीं होइएगा, कोई भी हक अधिकार किसी भी तरह का नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम लोग अगर बाबा साहब तथागत बुद्ध के और अपने महापुरुषों के सच्चे अनुयायी हैं, तो सारे सिकवा किले को मैंने छोड़कर सभी एक हो जाइए कि हम बाबा साहब के तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। भक्त नहीं, अनुयायी बनना होगा और अनुयायी बन करके काम करना होगा। और 17 सितंबर को हम लोग 5 लाख नहीं, 5 लाख से ज्यादा टारगेट बनाएंगे, तब 5 लाख होगा। और हम लोग बिहार के सरकार को हिलाने के, क्योंकि देखिए कोई भी नेता तब हिलता है जब आपके पास वोट होगा, आपका उसको समझ में आएगा कि ये वोट से हम तो बिहार के लोग वोट देता ना, यहाँ बिहार सरकार को। महाराष्ट्र से लोग आते थे ससाई जी का आंदोलन, मराठी लोग आता है बिहार में बुद्धगया में आके पूरा गंदा फैला के चला जाता है। वो लोग तो ये बोलता है ये लोग पागल हो गए, बहुत तरह का बात है, बहुत समय लगेगा, बहुत बारीकी से मैं बहुत दिनों से हूँ, 35 साल से मैं बुद्धिज्म को अनुभव किया हूँ, बोलूंगा तो बहुत सारा बात है, लेकिन जरूरत है काम करने की। काम करिएगा उसका रिजल्ट आएगा, वही हम लोग के लिए बेनिफिट है। साधु साधु।